प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे, अभ्यास करेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत आकलन 6। आइए शुरू करते हैं आकलन 6। पहला सवाल, 4 किलो गेहूं की कीमत 96 रुपये है, तो 1 किलो गेहूं कितने का होगा? 42 रुपये, 24 रुपये, 384 रुपये, 364 रुपये। 4 किलो गेहूं की कीमत 96 है, 1 किलो गेहूं की कीमत ज्ञात करनी है, तो 96 में भाग देना है 4 का, तो कितना आएगा? 24, यानी 24 रुपये, ये वाला सही आंसर होगा। दूसरा, कौन सा विकल्प सही है? 33/5। अब यहाँ 33/5 का कौन सा विकल्प सही है? 35 में से 5 को 7 बार घटाना, 35 में 5 को 7 बार जोड़ना, 35 में से 7 को 5 बार घटाना, 35 में 7 को 5 बार जोड़ना। तो यहाँ 35 में 5 का भाग है, तो हम क्या करेंगे, 5 5 को घटाएंगे और वो आएगा 7 बार, 5 7 35, तो बराबर 7 आएगा, यानी 35 में से 5 को 7 बार घटाना, ये वाला सही आंसर होगा, इस पर सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तीसरा, दो संख्याओं का गुणनफल 90 है, यदि एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 10 9 19 8, तो बताइए कौन सी होगी? तब हम 90 में 10 का भाग देंगे 9, तो इससे आंसर होगा 9। अगला सवाल, चौथा, भागफल के रूप में 32 प्राप्त करने के लिए 480 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? अब देखिए, 480 को हम किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 32 प्राप्त हो जाए? तब हम क्या करेंगे, 480 में भाग देंगे 32 का, तो संख्या वो क्या आएगी, 48, 15, 16 या 32, तो वह संख्या आएगी 15, सही आंसर होगा इसमें 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, अंशु रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने सभी भाइयों के लिए मिठाई के डिब्बे लेने गई। हलवाई के पास 60 लड्डुओं की एक थाली थी। अंशु ने कहा कि उसे 5 डिब्बे में बराबर बराबर पैक कर दो। हलवाई ने हर डिब्बे में लड्डू पैक कर दिए। एक लड्डू के डिब्बे की कीमत 75 रुपये थी। अंशु ने हलवाई को 5 डिब्बों के रुपये दिए। अंशु ने मिठाई लेने के बाद दुकान से राखी के 9 पैकेट खरीदे। हर पैकेट में 5 राखियां हैं। अंशु ने कुल राखियां खरीदी। हर पैकेट की कीमत 40 रुपये है, तो एक राखी की कीमत रुपये होगी। अब यहाँ जो खाली स्थान है, यहाँ पे हमें संख्या लिखनी है। देखिए, अंशु रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने सभी भाइयों के लिए मिठाई के डिब्बे लेने गई। हलवाई के पास 60 लड्डुओं की एक थाली थी। अंशु ने कहा उसे 5 डिब्बे में बराबर बराबर पैक कर दो। तो बताओ, हलवाई 60 लड्डुओं को 5 डिब्बों में बराबर बराबर पैक करेगा, तो 60 में 5 का भाग देंगे, तो हलवाई ने हर डिब्बे में 12 लड्डू पैक कर दिए। एक लड्डू के डिब्बे की कीमत 75 रुपये थी। अंशु ने
हलवाई को 5 डिब्बों के कितने रुपए दिए? 75 एक डिब्बे की है, 5 डिब्बों की ज्ञात करनी है तो 75 का गुणा 5 से करना है तो कितना आएगा? 375 रुपये। समझ में आ गया? अंशु ने मिठाई लेने के बाद दुकान से राखी के 9 पैकेट खरीदे, हर पैकेट में 5 राखियां हैं तो कुल कितनी राखियां हो जाएगी? 9 का गुणा 5 से करें 9×5=45 राखियां। अब देखिए हर पैकेट की कीमत 40 रुपये है, एक पैकेट की कीमत कितनी? 40 रुपये, और एक पैकेट में कितनी राखियां आती है? 5, तो एक राखी की कीमत कितनी होगी? 40 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा? 8, एक राखी 8 रुपये होगी। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, एक डिब्बे में कुल 100 कॉपियां हैं, इन कॉपियों को 20 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटना है, बताइए प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कॉपियां मिलेगी? 100 कॉपियां हैं, 20 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांट रही है, 100 में भाग देना है 20 का, 20×5=100, तो 5 कॉपियां प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी मिलेगी? 5 कॉपियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, बाग करें, हमें यह बाग के सवाल हल करने हैं। पहला है 576/12, 576 में 12 का भाग देना है। बारह का भाग 57 देंगे, 12×5=60 ज़्यादा हो जाता है, तो 12×4=48, 4×48 57 में से 48 घटाएंगे, बचेगा 9, ऊपर से उतारेंगे 6, संख्या हो जाएगी 96। 12 का भाग 96 देंगे, 12×96 8 बार, 12×96 96 में घटाएंगे बचेगा 0, तो भागफल आया 48/0, यहाँ बराबर कितना आएगा? 48। अगला है दूसरा, पहला समझ में आ गया, 576 में हमने भाग दिया 12 का, कितना आया? 48। अब हम 257 में भाग देंगे 18 का, चलिए भाग देते हैं, 257 में 18 का भाग 25 में देंगे, 18×1=18, 25 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा? 7, ऊपर से उतारेंगे 7, संख्या हो गई 77। 18 का भाग 77 में देंगे, 18×72, 4 बार, 72, अब 77 में से 72 घटाएंगे कितना बचेगा? 5, तो भागफल आया 14/5। अगला सवाल तीसरा, 768 में भाग देना है 38 का, 768 में भाग देना है 38 का, चलिए भाग देते हैं, 38 का भाग 76 में देंगे, 38 का भाग 2 बार जाएगा, 76 में 76 घटाएंगे बचेगा 0, ऊपर से उतारेंगे 8, 38 का भाग 8 में देंगे 0 बार जाएगा, 0 आएगा, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8×8, तो भागफल आया 20, शेषफल आया 8। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों, ये था आकलन 6, आज की कक्षा में हमने आकलन 6 को समझा,
आप भी इस आंकलन को समझते हुए हल जरूर कीजिए और इसका भी आप अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि गणित में हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।